नमस्कार, मेरा नाम अमित बहादुर है। मैं लखनऊ चौक सरायमाली खां का निवासी हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको यही सूचित करना चाहता हूँ कि मैं मेरे फादर और मेरी मदर, मेरे फादर 80 इयर्स के हैं, मेरी मदर 70 हैं। हम लोग का एक जॉइंट अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा चौक ब्रांच कोनेश्वर मंदिर के सामने में एक जॉइंट अकाउंट है, जिससे हमारा लॉकर भी जुड़ा हुआ है। मेरा लॉकर नंबर 146 उस अकाउंट से जुड़ा हुआ है। कोरोना काल की वजह से ये लॉकर कई दिन से ऑपरेट नहीं हुआ था, इनफैक्ट 2 साल से ऑपरेट नहीं हुआ था। कोरोना काल ख़त्म होने का, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के बाद हमारे फादर मदर इस लॉकर को ऑपरेट करने गए 23 अक्टूबर को। मैं बेंगलोर में रहता हूं और मेरा एक ब्रदर है जो कि बाहर यूएस में है। चूँकि ये हमारा पुश्तैनी घर है चौक में, तो जितने भी हमारे रिलेटिव्स हैं वो सब यहीं आसपास रहते हैं। तो हम लोग का सारा जेवर, चाहे वो हमारी वाइफ का हो, चाहे हमारी मदर का हो, या हमारे ब्रदर की वाइफ का हो, या बच्चों का हो, जितना भी जेवर है जो हमको पुश्तैनी उसमें मिला है, जो गिफ्ट्स में मिला है शादियों में, या बच्चों को जो गिफ्ट्स में मिला है, सब कुछ हमारा इस लॉकर के अंदर था। उसमें करीब हमारा 200 तोला सोना, जिसमें हमारे सोने के जेवर और चाबी संख्या हमारे मैनुअल रजिस्टर में लिखा हुआ है, वो कंप्यूटर के रिकॉर्ड्स में डिफरेंट है। और ये बात खुद स्वाति ने मैनेजर को बताई थी। उस समय हमारे फादर मदर चैम्बर में बैठे ही हुए थे मैनेजर के, और स्वाति गुप्ता उनके पास आई, बोली सर इनका नंबर कंप्यूटर में डिफरेंट दिखा रहा है, रजिस्टर में डिफरेंट दिखा रहा है। हमको तो मालूम भी नहीं थी ये बात। तो ये हमारे ही साथ क्यों हुआ ऐसा? जब मैंने ब्रांच मैनेजर से पूछा तो उन्होंने इस बात को टाल दिया, कह के कि अभी हमारा सिस्टम पूरी तरह से कंप्यूटराइज नहीं हुआ, हो रहा है इसलिए गलती हो सकती है। सवाल यह है कि गलती भी मेरे ही उसमें हो रही है, चोरी भी मेरे ही लॉकर में हो रही है। तीसरी चीज़, जब जिस दिन चोरी हुई उस दिन ब्रांच मैनेजर ने एक अपने जो कि उनके मेंटेनेंस का होगा, जो लॉकर वॉकर देखता होगा, उस आदमी को बुलाया जिसका नाम दीपक है। तो जो ब्रांच मैनेजर अनिल कुमार चौहान है, उसने दीपक को बुलाया, उनको दिखाया लॉकर, देखो कैसे है ये, कैसे टूटा होगा। तो उसका भी यही कहना था, ये सर ये बिना ड्रिलिंग से नहीं खुल सकता, ये ड्रिल ओपन है, बहुत क्लियर था वो। और ऑब्वियसली जब हमारे फादर मदर 80 इयर्स के अंदर, यू कांट एक्सपेक्ट कि उन्होंने कोई पेंच लेके खोल दिया होगा या ड्रिल मशीन से खोल दिया होगा। जबकि मिस्टर चौहान, अनिल कुमार चौहान को, बल्कि उनको एम्पैथाइज करने की जगह उनका यही कहना था पापा से, कहीं आपने तो नहीं किया है। चौथा, ब्रांच मैनेजर से मैं 26 तारीख को बेंगलोर से आया था, मैं मिलने गया तो मैंने उनको ये भी पूछा कि कभी कभी बैंक खुद अपने लॉकर्स को तोड़ते हैं, जो कि लॉकर्स अनऑपरेटिव हो जाते हैं और कोई उनका फीस नहीं जाती।